साहब आज राहुल गांधी कश्मीर आ रहे हैं किस? ये आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं उनसे मिलने, उसके बाद आपको वहां इंटरव्यू दे दूंगा। लेकिन अब सब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी है जहां से लोग नहीं भाग रहे, बाकी पार्टी में उथल पुथल है। ये अल्लाह का करम है जी, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि लोग समझते हैं कि हम लोग कोई अच्छा काम कर सकते हैं, इन लोगों को इन मुश्किलों से निकाल सकते हैं। कितनी एक्सपेक्टेशन है उमर साहब आज बार? बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी बख्शेगा। बीजेपी का सारा कार्डर यहाँ पर है एनसी को तोड़ करने के लिए। अल्लाह सलामत रखे सबको। और क्या कह सकते। लेकिन कल महबूबा मुफ्ती ने सबसे क्लेम किया ये वाजपेयी का दौर था जब मुफ्ती सईद ने डायलॉग प्रोसेस खत्म किया, फारूक साहब तो आज बात कर रहे हैं और लेटर उन्होंने भी। महबूबा जी को कोई जवाब नहीं दूंगा जी, वो जो कुछ भी बोलती हैं उनका कोई पता नहीं लगता वो क्या बोल। एक्सपेक्टेशन क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस? बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है हमारी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो इतिहाद हुआ है इंशाल्लाह उसमें हम लोग कामयाब होंगे। क्या अलायंस में जो राहुल गांधी का विजिट यहाँ होना किस तरह? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हमारे वतन के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी आवाज है कि जो हमें कहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम ये हैं, उनके लिए एक थप्पड़ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान के लोग ये समझेंगे कि हम चाहते हैं कि रियासत आगे तरक्की करे और इस मुश्किल से निकले। मैंने पहली दफा देखा कि एक रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाते हुए, इसको बदलाना है, इसको फुल से स्टेट उड़ाना है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ये अलायंस एनसी की मजबूरी है। एक मजबूरी नहीं है, जरूरत है, हमने सबको लेकर चलना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।